ये हमने कैशबुक का फॉर्मेट बनाया था लास्ट टाइम पे, फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो डेट डिस्क्रिप्शन पोस्टिंग रेफरेंस डिस्काउंट सेल कैश डेबिट बैंक डेबिट अगेन डेट डिस्क्रिप्शन पोस्टिंग रेफरेंस परचेज डिस्काउंट कैश क्रेडिट बैंक क्रेडिट। ये था हमारे पास थ्री कॉलम कैशबुक। और बाज़ अवकात सवाल के अंदर टू कॉलम कैशबुक भी आता है। टू कॉलम कैशबुक आएगा तो आप क्या करेंगे, जो डिस्काउंट का कॉलम है ये वाला कॉलम आप नहीं बनाएंगे। जब आप क्या कहते हैं टू कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो डिस्काउंट के कॉलम आपके पास नहीं आएंगे। मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। ये परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट, यानी ये कॉलम आप नहीं बनाएंगे टू कॉलम के अंदर। ये वाला कॉलम भी नहीं आएगा डिस्काउंट का, और ये वाला कॉलम भी नहीं आएगा, यानी कैश और बैंक का अकाउंट आएगा, कैश बैंक और कैश बैंक। सिर्फ ये दो कॉलम आपके पास नहीं आएंगे, कौन सा, सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट के कॉलम नहीं बनेंगे। किस में, टू कॉलम कैश बुक में। अच्छा एक और कैश बुक भी है तो वन कॉलम कैश बुक। वन कॉलम कैश बुक में क्या होता है, सिर्फ आपके पास कैश का अकाउंट होता है, सिर्फ कैश का, ये कैश और कैश, यानी बैंक का कॉलम भी इसमें नहीं होगा। किस में, वन कॉलम कैश बुक। वन कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश का रिकॉर्ड होता है, कैश डेबिट और कैश क्रेडिट, बैंक का और डिस्काउंट का कॉलम उसमें नहीं होता। तो हमारे पास थ्री टाइप के कैश बुक होते हैं, कौन कौन से, थ्री कॉलम कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक और वन कॉलम कैश बुक। ये फॉर्मेट वही होगा, जब हम थ्री कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो उसमें आपके पास तीन कॉलम आ जाते हैं, कौन से, एक दो और तीन। कौन कौन से, एक आपके पास डिस्काउंट का आ गया, एक आपके पास बैंक का आ गया और तीसरा आपके पास कैश का आ गया। ये किस में, थ्री कॉलम। जब टू कॉलम की बात करेंगे, टू कॉलम कैश बुक की, टू कॉलम कैश बुक, जब टू कॉलम कैश बुक की बात करेंगे तो इसमें आपके पास सिर्फ दो कॉलम आ जाएंगे, किसका, एक कैश का, दूसरा हमारे पास बैंक का, ठीक है। टू कॉलम में, थ्री कॉलम में तीन कॉलम, डिस्काउंट बैंक कैश। डिस्काउंट से मुराद क्या आपका, सेल और परचेज डिस्काउंट, सही है। टू कॉलम में डिस्काउंट नहीं, सिर्फ कैश और बैंक। जब वन कॉलम कैश बुक की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ आपके पास कैश का रिकॉर्ड होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। ये हमारे पास कैश बुक की टाइप्स है। और कैश बुक के अंदर हमारे पास जिस तरह हम एंट्रियाँ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जनरल जो एंट्रियाँ उसको हमने रिकॉर्ड करना है। अभी देखें कैश बुक में सिर्फ आपने कैश और बैंक का कॉलम लेना है, जो कैश डेबिट हो रहा है बैंक डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है बैंक क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना। सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, उधार वाले क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं किया। मिसाल के तौर पर एक ही सवाल है जनरल जनरल का, हम इसको समझ लेते हैं। देखें पहली ट्रांजेक्शन हमारे पास कैश डेबिट में, जिसका मतलब है कि रिकॉर्ड होगा कैश डेबिट में चले जाएगा, ये आपका डेबिट का कॉलम है कैश, आप इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। अब देखें कैश एंड बैंक ये दोनों रिकॉर्ड हो रहे हैं, यानी एक ट्रांजेक्शन दो साइड पर रिकॉर्ड होती है, हम इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश बुक के अंदर जो ट्रांजेक्शन दो साइड पर रिकॉर्ड होता है, यानी डेबिट में भी हो रहा हो क्रेडिट में भी हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री के माने बोथ साइड और रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन और कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो ये भी रिकॉर्ड होगा आपके पास। आप आ जाएं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज कैश, ये कैश देखें कैश क्रेडिट, क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा, क्रेडिट साइड आपकी रही कैश की, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाए परचेज अकाउंट्स पेबल, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, इसमें कि ना कैश है ना बैंक है, इसको क्रॉस कर देंगे हम, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद फिफ्थ में आ जाए देखें कैश क्रेडिट है, ये रिकॉर्ड होगा कैश क्रेडिट साइड पर। सिक्स ट्रांजेक्शन में आ जाए बैंक क्रेडिट, तो बैंक के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना, ये था बैंक क्रेडिट कैश क्रेडिट, ये रिकॉर्ड में आ जाएगा साइड पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आ जाए कैश एंड बैंक, ये भी दो साइड रिकॉर्ड हो जाएगी, ये क्या कहलाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री, इसको हम लिखते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, यानी जो बोथ साइडेड और रिकॉर्डेड कॉन्ट्रा एंट्री। देखें कैश और बैंक,
दोनों साइड पर रिकॉर्ड हो रही है, ठीक, कैश में भी जा रही है, बैंक में भी जा रही है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट है। सो उसके बाद आ जाए नेक्स्ट कैश सेल, देखें ये भी रिकॉर्ड होगी कैश डेबिट में। 9 में आ जाए, ये रिकॉर्ड नहीं होगी, ना कैश का अकाउंट है ना यहाँ बैंक का अकाउंट है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है बैंक कैश। ये देखें 10 में आ जाए, बैंक डेबिट है, बैंक डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएगा डेबिट साइड पर। कैश क्रेडिट ये भी रिकॉर्ड होगी, कैश क्रेडिट में चले जाएगा। बैंक क्रेडिट ये भी रिकॉर्ड होगी, बैंक क्रेडिट में चले जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाए 12 के बाद 13 में, ये देखें कैश डेबिट डेबिट में चले जाएगा, कैश क्रेडिट सॉरी कैश डेबिट दोबारा डेबिट में आ गया, बैंक क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे कैश बुक के अंदर। इसमें कोई भी कैश और बैंक डेबिट क्रेडिट नहीं तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा, अकाउंट्स वाले सेल है ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा, यहाँ भी कैश और बैंक का कोई जिक्र नहीं है, ना कैश डेबिट में ना बैंक डेबिट में ना क्रेडिट में। और ये देखें बैंक डेबिट ये रिकॉर्ड हो जाएगा आपका डेबिट साइड पर। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें 19 में, यहाँ पे कैश और बैंक कोई डेबिट में तो रिकॉर्ड नहीं होगा। 20 में भी कोई रिकॉर्ड नहीं, कैश और बैंक का जिक्र नहीं है। 21 में देखें बैंक क्रेडिट में तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है कैश बुक के अंदर। 22 में देखें बैंक क्रेडिट है ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। 23 में देखें कैश क्रेडिट है ये भी रिकॉर्ड होगा कैश क्रेडिट में। 24 में ये भी आपके पास कैश क्रेडिट है ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन हमने कर लिए, यानी जिन जिन को हमने क्रॉस किया है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, जिन जिनको हमने टिक लगाया ओके किया वो रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कैश बुक बनेगा, इस तरह आपने कैश बुक बनानी है।